Hi friends, dear students, आज हम पढ़ेंगे एक पोएम जिसका नाम है अमंडा। अमंडा के बारे में हम पूरे डिटेल पढ़ेंगे, पर हर पोएम में आप जानते हैं पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, लिटरेरी डिवाइस कहा जाता है, राइम स्कीम्स होते हैं, उसमें कुछ आयरनी होता है, ऐसे कई चीजों को कंपोज करके पोएट अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, इसे पोएम कहते हैं। अगर आप इसके बारे में पूरे डिटेल जानकारी चाहिए, मैंने इस संदर्भ में दो वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप उसे जाकर देखें, तभी आप लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम, इस सारे बारे में समझ में आएगा। हर पोएम में और जब कभी बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो उसका आयरनी पॉइंट और पोएटिक डिवाइसेस ये सब अवश्य पूछा जाता है, किस तरह राइम स्कीम निकालना है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो में जब देखेंगे अमंडा के बारे में, इस पोएम छोटा पोएम है पर इसमें बहुत ही कई चीजें सीखने को मिलता है, इवन फॉर पेरेंट्स, इवन फॉर स्टूडेंट और चिल्ड्रेन, इस चीजों को दोनों तरफ से हमें सीखने को मिलता है। इस पोएम में हर स्टांजा में 5 स्टांजा है, हर स्टांजा में उसके मम्मी, अमंडा का मम्मी जो है कुछ कहती है, तो उसके बाद में अमंडा कुछ सोचती है, हर स्टांजा में इस तरह है। अंतिम में जो स्टांजा दिया गया है उसमें अमंडा के बारे में जो सोच रही है उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किए हैं पोएट ने। तो आज इस पोएम को पूरे तौर से एक्सप्लेन करेंगे, पर आप जरूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करिए। आइए हम इस पोएम को देखते हैं। अमंडा, जो अमंडा पोएम है जिसे लिखते हैं बाय रॉबिन कैन, ये ऑस्ट्रेलिया के लेखक थी, जो जिसका पैदाइश या जन्म 1936 में केम्सी, न्यू साउथ वेल्स में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये घर की 9वां बच्ची थी, 9th children। इन्होंने अपने 16 साल की उम्र में ही इन्होंने क्या किए थे, एक शॉर्ट स्टोरी बुक पब्लिश कर चुके थे 16 साल की उम्र में। जब कभी आप पढ़ते हैं इस समय तो इसके बारे में सोचते भी नहीं होंगे, पर हमें सोचना चाहिए, जो भी आप करना चाहते हैं आप अभी से करना शुरू करना चाहिए, कल का इंतजार नहीं। ये सारे चीजें इसके अंदर, एक अच्छे लेखिका मन पॉइंट थे और उसके बारे में कई क्वालिटी है जो लिखा गया है इसमें। पब्लिश एज ऑफ 16 ईयर्स सी वर्क इन नंबर ऑफ जॉब, बहुत सारे काम से गुजर चुकी है, काम की है, बिकमिंग एन एस्टैब्लिश राइटर। उसके बाद में उसने फैसला किया एक अच्छे राइटर बनने के लिए, एस्टैब्लिश राइटर, इंक्लूडिंग टी लेडी एट वेयरहाउस, बुक शॉप, असिस्टेंट नर्स, कॉपर एनामलिस्ट एंड प्रोग्राम एडेड एट ए स्कूल फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन। इन्होंने कई स्थानों पर काम किए हैं, पर एक बड़ों की किताब और बच्चों की किताब भी बहुत रोचक किताब लिखा कर, स्टोरी लिखा करती थी। ये है उसका तस्वीर जो आप देख सकते हैं, रॉबिन। इंट्रोडक्शन, इस कहानी जो है अमंडा, जो स्टोरी है, एक कहानी है, एक लड़की का है जिसका नाम है अमंडा, जिसे रॉबिन क्लेन ने एक्सप्रेस करती उसका व्यू। छोटी सी लड़की जो 10 से 12 साल की उम्र हो सकता है, टीनएजर का समय है, उसकी व्यू माने उसका एक्सप्रेस करती, उसको क्या सोचती होगी, उसके मम्मी जब कहती है तो क्या सोच रही है, उस भावना को व्यक्त करती है। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर व्यक्त करते हैं, अमंडा हु इज कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट। अमंडा क्या है, लगातार उसका मम्मी से पॉइंटेड आउट, कुछ भी गलती होता है तुरंत टोक देते हैं, मम्मी लोग अक्सर टोक दिया करते हैं, तो इस तरह का वो हमेशा टोक देते हैं, तो उसी लिए उसका जो फीलिंग्स है उसके बारे में यहाँ लेखक क्या करती है, इसको बयान करती है। मदर फॉर हर मिस्टेक, मेकिंग मिस्टेक, मिस्टेक्स व्हिच शी कंसीडर्ड सो एज दे वर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट लेड
आउट बाय द सोसाइटी इन व्हिच वी लिव. उसका मम्मी सोचती है हम जो समाज में रहते हैं, हमारे जो समाज उसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हम जैसे चाहे वैसे नहीं पेश आ सकते हैं. समाज में उठना बैठना, बातचीत करना सबका तौर तरीका होता है, जिसे हम सिविलाइज कहते हैं. अदरवाइज जो उसे नहीं जानते हैं किस तरह बैठना मैनर्स नहीं होते हैं, तो उसको हम अनसिविलाइज कहते हैं. इन्हीं कारणों से यहाँ पे उसकी मम्मी सोचती है अगर मेरी लड़की इस तरह रहेगी तो क्या होगा, समाज में जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अनुरूप नहीं है. इसी वजह से वो उसके मम्मी बहुत चिंतित रहती है और हमेशा कुछ ना कुछ कुछ भी देखती है तो क्या करती है, टोक देती है. टोकने का ये जारी रखती है, जिससे अमंडा इस चीजों को बातों को सुन सुन के परेशान होती है. परेशान हर बातों में कुछ ना कुछ अपने आप को सोच रखती है. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. पोएम फर्स्ट स्टैंजा में जो लिखा है, डोंट बाइट योर नेल अमंडा. उसका मम्मी कहती है अपना नाखून को नहीं काटना. कई बार होता है हम लोग स्कूल में भी माने अनजान में इग्नोरेंटली कभी हम सोचते नहीं काटिंग करके, पर नाखून का चबाना जैसा काटना होते रहता है. तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, नाखून काटने का आदत रह जाता है. तो उसका मम्मी कहती है डोंट बाइट योर नेल अमंडा एंड डोंट हंच योर शोल्डर. जैसे शोल्डर को झुका के बैठना, ऐसा सीधा सीधा रहना, शोल्डर को झुकाना, शोल्डर को झुका के रखती है, तो ऐसा मत करना. डोंट हंच योर शोल्डर, बेंड हंच मतलब बेंड करना. स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. जैसे झुक कर बैठना या आलसीपन में बैठना, इस तरह का बंद करो, ऐसा उचित नहीं है. नेल नहीं बाइट करना, अपने गर्दन को झुका के नहीं रखना, अपना बैठने का जो झुक के नहीं बैठना, ये सारी चीज मम्मी उसकी पहली स्टाजा में उसे अमंडा को कहती है. तो हंच मतलब बेंड, स्लचिंग सिटिंग, आप वर्ड मीनिंग भी नोट करके रखिएगा आपको समझने के लिए. यहाँ जो वो हमेशा डांटने का, जो हम डांटने का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसका मम्मी कुछ कह रही है, हमेशा कुछ ना कुछ टोक रही है, तो इसके बारे में सोचते, जो ब्रैकेट में आप किताब में ब्रैकेट में लिखा गया है, उसमें जो ब्रैकेट देख रहे हैं उसमें लिखा है देयर इज अ लैंग्वेज एमरासी. वो सोचते जब उसका मम्मी इस तरह कहती है उसे, क्या कहती है, डोंट बाइट योर नेल एंड डोंट बेंड, गर्दन को झुकाना नहीं और ऐसे सीधा बैठने के लिए कहती है, तो उसी समय वो सोच लेती है ऐसा भी एक जगह होगा. लैंग्वेज मतलब प्रशांत एकांत, ऐसा भी एक जगह. एमराल, एमराल मतलब समुद्र में जो जलपरी बोलते हैं, जलपरी की तरह ऐसा भी जगह जो एकांत होगा, जहां पर जलपरी रहती है. वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जो कि जहां पर आत्मा जहां पर रहती है, पूरा शांति से रहता है. इजमी एमराल और मैं जलपरी होती तो कितना अच्छा होता है. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, वो कहती है मैं आराम से रहती, ब्लिसफुली मतलब पूरा सुख, जैसे स्वर्ग का सुख मिलता, मैं ऐसा रहती. जब उसका मम्मी इस तरह बातें कहती है कि ऐसा नहीं करना, वैसे बैठना चाहिए, सीधा बैठना, ऐसा सब कहने से इसके अंदर ही भावना आता है. क्या भावना आता है, जलपरी की तरह, जिस तरह समुद्र में जलपरी होते हैं उसी तरह मैं रहती तो कितना अच्छा होता, कितना आनंद होता, कितना खुशी होता. तो इसमें पोएटिक डिवाइसेस आते हैं. मैंने कहा हर स्टैंजा में पोएटिक डिवाइसेस होते हैं और पोएटिक डिवाइसेस वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम. सो लिटरेरी डिवाइस को समझने के लिए आप मेरे लिंक पे जाकर के अवश्य उसे देखें ताकि आपको पूरे समझ में आए. इसमें अनुपुरा का यूज होता है. अनुपुरा मतलब जहां पर शब्दों का रिपीटेशन होता है. जैसे यहाँ पर डोंट बाइट, डोंट बाइट पहले स्टैंजा में डोंट बाइट, डोंट हंच करके इसलिए इसे कहा जाता है अनुपुरा. और एसोनेंस जहां पे वावल का साउंड होता है, ए ई आई ओ यू, जहां पर इसका आवाज होता है, साउंड होता है, उसको हम लोग कहते हैं एसोनेंस. एसोनेंस यहां पर कई जगह वावल साउंड आया है स्टैंजा में, इसलिए इसको कहा जाता है एसोनेंस. एंड राइम, राइम स्कीम, इसे भी समझना है. राइम स्कीम कैसे निकलता है, जो हम लोग अंताक्षरी अब लोग खेलते होंगे, अंताक्षरी में अंत में जाकर, जिसे हिंदी में कहा जाता है, इसे जो हिंदी में कई बार आप लोग क्लास टेंथ में नाइन्थ में पढ़े होंगे, उसमें अलंकार, शब्द अलंकार जो कहते हैं, तो उस सारी चीजों को आपको याद करना है. इसमें इंग्लिश में इसमें लिटरेरी डिवाइस और पोएट्री डिवाइस कहते हैं. आप इसे देखेंगे मेरे वीडियो को तो अब पूरा जानकारी उसमें दिया गया है, आप डिटेल में जाके देख सकते हैं. जब अंतिम में जो शब्द आवाज या ध्वनि से खत्म होता है, उसी के आधार पर पहला लेटर का इस्तेमाल करते हैं,
जिस बोर्ड में खत्म होता है तो उस दूसरा उसी बोर्ड से हम लोग गाना शुरू कर दान छड़ी में, उसी तरह उसी शब्द को ए लिखेंगे, उसके बाद में अगर दूसरा शब्द शुरू बंद हो रहा है तो हम बी लिखें, इस तरह हर लाइन में हम देखना है किस शब्द से उस लाइन समाप्त हो रहा है। अगर उसी बराबर शब्द में सपोज अमंडा अमंडा तो ए ए ही होगा, दोनों में अमंडा अमंडा हो रहा है, तो उसी तरह राइम स्कीम निकाला जाता है। इसमें राइम स्कीम पहला ए ए बी ए सी सी है। अगर आपको कुछ डाउट्स है इसके बारे में तो कमेंट करें, तो मैं दोबारा आपको इस वीडियो को माध्यम से और दूसरा भी मैं वीडियो बना के आपको भेज सकता हूँ। मेटाफोर, इसमें मेटाफोर भी यूज करें। मेटाफोर इसलिए यूज करते हैं किसी व्यक्ति माने किसी विशेष चीज को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। एमराल्ड, एमराल्ड जो सी जो समुद्र के जलपरी है, मेटाफोर उसको कहते हैं, जो कंपेयर करते हैं। और एलिसन भी वही चीज है, एक एलिसन मतलब उसके बारे में सोचना, उसके बारे में समझना कि मैं भी ऐसी हूँ, मैं हूँ एमराल्ड, उसमें नीचे लिखा गया है एलिसन का, उसको भी आपको समझना, दोनों एक जैसा मिल रहा है इसलिए मैं पहले बता दिया। और रिपीटेशन, अमंडा अमंडा कई बार रिपीटेशन, इमेजरी इमेजरी मतलब सोचना, ड्रिफ्टिंग बेसिक मतलब पूरा हैप्पी पूरा खुश पूरा आनंद से रहना, उस तरह भावना में खो जाती है, इसे कहते हैं इमेजरी, इमेजिन करती है। सो दिस आर द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। एंड नेक्स्ट स्टैंजा विल गो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, उसका मम्मी कहती क्या आपने होमवर्क गृह कार्य खत्म कर दी, अपना होमवर्क खत्म कर ली। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या आपने कमरे को साफ कर दी अमंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैं सोच रही हूँ शायद आपको कही थी मैं अपना जूता भी साफ करने के लिए। एक चीज डांट जब सुनी हो अपने मम्मी का बातें सुनी, तुरंत उसके अंदर भावना क्या आ गया, वो सोचती है आई एम ऑर्फन, मैं अनाथ बच्ची हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गली मोहल्ले में घूम रही हूँ, आई पैटर्न सब डस्ट विद अस बेयर फिट, मैं पांव से बल से चल रही हूँ पूरा धूल में, और मैं पूरा मजा, मैं कोई डांटने वाला नहीं, मैं पूरा ऐसे टहल रही हूँ, कोई डांट नहीं रहे, द साइलेंस इज गोल्डन, और मेरे एकांत पूरा कैसे है सोने की तरह है, सोना स्वर्ण युग होता है ना, जिस तरह सोने का पल जैसा होता है उस तरह गोल्डन कहा गया इसमें। अब फ्रीडम इज स्वीट, और आजादी जो है मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मिठास है मेरे लिए, क्यों हमेशा किसी को टोकना किसी को देख रहे मेरे कुछ चुक होता है तुरंत बात सुनना, इससे बढ़िया मुझे फ्रीडम क्या है, मेरे लिए स्वीट है। वो अपने आप को तुलना करती हूँ अमंडा, पहला स्टैंडा में क्या तुलना की जलपरी की तरह, और दूसरे स्टैंडा में अनाथ बच्चे की तरह अपने आप को तुलना कर लेती है। So, orphan मतलब those who are not even father, husband मतलब quite unstable, this word meaning. And here literary devices are there. Anapara is same thing, which words are repeated, जो शब्द repeat होता है, did you finish, did you tidy, इस तरह का शब्द जो repeat हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं anapara. Rhyme scheme, as I told you have to go through the last sound of this line, according that you have to write down the rhyme scheme. And as soon as vowel sound wherever comes, that is told you, your shoes, there vowel sound is there, so it is called assonance. Repetition, amanda word is always repeated, so it is called amanda repetition. Repetition jahan shabd ko dohraya jata hai, bar bar dohraya jata hai. Metaphor, I told you how we can compare. Silence is golden, matlab shant rehna, ekant mein rehna, ek sannata jagah, uske liye सोने की तरह, माने सोने मतलब अच्छा पल, माने स्वर्ण स्वर्ण की तरह उसके लिए है, तो कंपेयर कर रही है, तो उसको कहते हैं मेटाफर। ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर, साइलेंस इज सेड टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर, माने पूरा सोना के कलर की तरह है शांत रहना। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक शांत एकांत में। बी फ्रीडम इज स्वीट, और क्या कंपेयर कर, फ्रीडम इज स्वीट बोल रही है, माने आजादी उसके लिए मिठास है, स्वीट है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो ये सारे क्या है मेटाफर है। So next time we will go, don't eat that chocolate Amanda, remember your acne, वो कह रही है उसका मम्मी, क्या नहीं खाना चॉकलेट, अब जानते हो चॉकलेट चॉकलेट जो होता है, और कई लोग डायरी मिल्क बहुत पसंद करते हैं, हंच भी चॉकलेट है, कई प्रकार चॉकलेट है, आप में से बहुत लोग डायरी मिल्क पसंद करते हैं, तो इस तरह चॉकलेट भी ज्यादा नहीं खाना अमंडा, कौन कह रही है उसको मम्मी, आपको अगर कहते कि नहीं आपके मम्मी पापा मुझे नहीं मालूम, पर उसका मम्मी कह रही है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, यहाँ पर ईट केवल कहा गया, हो सकता है ज्यादा खा रही होगी, हो सकता है इसलिए डांट रही है। टीनेजर में कई बार माँ बाप का बातें हमें चुभता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, पर यहाँ पर भी अमंडा को इसी है, यहाँ पर देख रहे हैं रिमेंबर योर एक्ने, अपने मुहासे को देखना,
चेहरे में जो मुहास है उसे थोड़ा ध्यान देना, इतना खाई जा रही है, मीठा खा जा रही है, लोग कहते हैं ना मीठा ज्यादा खाने से भी होता है करके। आई डोंट नो पॉइंट हाउ शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अबाउट अमंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, और बोल रही है क्या मेरे कृपया करके मेरे तरफ देखोगी जब मैं तुम्हें कह रही हूँ, जब मुझे कुछ बात करती हूँ तो मेरे तरफ देख क्यों नहीं देख रही हो, क्यों देखे कृपया देखोगी मेरे तरफ मैं जब कह रही हूँ तुझे। कई बार होता है माँ बाप जब कहते हैं हम लोग मुंह मोड़ देते हैं या झुक कर बैठते हैं, गर्दन झुका कर बैठ देते हैं, हम लोग दूसरे ओर निहारने लगते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पे अमंडा को कहा जा रहा है। तो अमंडा क्या फील कर रही है, पहले जल परी उसके बाद में अरफान अनाथ बच्चे की तरफ, अभी क्या फील करती है वो रूपांजल के तौरा, रूपांजल जो है स्टोरी है फेरी टेल में, आई एम रूपांजल आई हैव नॉट ए केयर, वो कह रही है मैं रूपांजल, लेकिन रूपांजल आप जानते हैं कहानी है जिसे एक विचक्राफ्ट मतलब डायन वो उठा लेती है, लेकर एक बड़ा सा टावर होता है, टावर में रख देती है जहां पर से नीचे से अपना उस रूपांजल के पास लंबे बाल होते हैं, बहुत लंबे बाल जिसके मदद से कि इसको चढ़ भी ऊपर भी चढ़ के आए थे अपने टावर में उसे बचाने के लिए। तो एक कहानी है जो फेयर टेल में आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग सुने भी होंगे, तो उसमें बहुत ही अच्छा कहानी है। उसी के बारे में सोचती क्वीन की तरह, मैं कोई क्वीन की तरह, मेरा कोई केयर ही नहीं करते, मेरा कोई देखभाली नहीं करता, मेरे कोई समझता नहीं मुझे कोई। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंकल एंड रेयर, और टावर में रहना बहुत ही शांति होगा, बहुत ही आनंददायक होगा। रेयर रेयर मतलब बहुत, माने कभी कभार होता है, रेयर केस में होता है बोलते हैं ना, तो ये बहुत ही माने रेयर है, ऐसा लाइफ मिलना बहुत ही रेयर है। I will certainly never let down my bright hair. और जैसा वहां पे क्या करते फेयर टेल में और कहानी में क्या है, रूपांजल क्या करती है, अपने बाल को नीचे फेंकती है और बाल के सहारा से उसे बचाने के लिए एक आता है चढ़ करके, है ना, तो वो कहती है मैं ऐसा फेंकूंगी नहीं अपने बाल को, अपने जो चमकीले बाल को गिराऊंगी नहीं, और मैं अकेला ही रहूंगी, किसी को आने नहीं दूंगी, टावर में एकांत में रहूंगी, शांति से रहूंगी। ओ अमंडा इस तरह सोच रही, जब मम्मी का बातें सुनती है, डांट सुनती है, तुरंत उसके अंदर भावना चले आता है, कुछ ना कुछ विचार आ जाता है, मैं इस तरह होती है। पहले सोच लिए मैं किसके तरह हूं, एक जलपरी की तरह, सेकेंड औरफान अनाथ बच्चे की तरह, और थर्डली और रूपांजल की तरह, रूपांजल की तरह होना चाह रही है, ऐसा होती तो कितना अच्छा होता। So here, what meaning is given here? You can note it down. Akni मतलब pimple, जो pimples देख रहे हैं चेहरे में होता है। Rapunzel मतलब girl in the fair tale by brothers Grimm. Tangle मतलब common quiet, rare मतलब uncommon, जो कि हमेशा होता नहीं। इसमें जो poetic device यूज किया गया, same thing like literary device, allusion. Allusion मैंने कहा किसी के character को हम अपने में ढाल लेना, अपने आप को सोच लेना उस character को, उस तरह हो जाना। और कंपेयर करना मतलब क्या है बोला था मैंने, मेटाफोर, इसलिए दोनों में थोड़ा फर्क है, इसे आपको समझना। राइम स्कीम आई टोल्ड यू, जाल अंत में जाकर के जो शब्द से उच्चारण से शब्द से खत्म होता है लाइन, उस लाइन को उस तरह का लेटर ए लिखना है, और दूसरे लाइन में अगर उस लेटर से अलग दूसरा लेटर लेटर नहीं उच्चारण से खत्म होता है तो बी लिखना है। अगर सेम होगा जैसे अमंडा अमंडा खत्म ए ए ही होता है, उसी तरह इसमें हर स्टांजा में आप देख सकते हैं। अगर इसके बारे में जानकारी है तो आप जरूर मेरे वीडियो को अवश्य देखें। एसोनेंस भी जो हम पे वावल साउंड यूज किया जाता है हर शब्द में, उसको एसोनेंस कहा जाता है। कॉन्सोनेंस जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड है, आर जो वावल के अलावा बाकी साउंड जो आता है लगातार कंटिन्यूसली यूज ऑफ साउंड, आर आई एम रूपांजल आई हैव नॉट केयर ब्राइट हेयर, इस तरह का जो शब्द हेयर आर आर हर जगह आ रहा है, तो इस तरह का जो शब्द होता है कॉन्सोनेंट का उसे कहते हैं कॉन्सोनेंस। रिपीटेशन यूज ऑफ अमंडा, फर्स्ट स्टांजा में रिपीट हो रहा है अमंडा के बारे में, तो उसमें इस तरह लिखा जाता है। एंड हियर लास्ट स्टांजा में स्टॉप दैट सकिंग एट वंस, वो बोलते हैं अमंडा को, उसका मम्मी कहती है स्टॉप दैट सकिंग एट वंस अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेगेट एट यू, वो कहती है इस तरह बैठना गर्दन झुका करके झुक करके बैठना, उसका मीनिंग है सकिंग मतलब बेंड होकर बैठना या
उदास होकर बैठना, चेहरा को गिरा के बैठना, माने चेहरा बना के बना बैठना, मैं चेहरा बना देते हैं, कुछ डांट सुनते हैं मम्मी पापा कुछ आपको डांटते होंगे तो आप अपने चेहरा को बना देते हैं, उदास कर लेते हैं और चेहरा बना कर बैठ जाते हैं, तो लोग सोचते कुछ हुआ क्या, पूछते हैं ना अक्सर। तो उसी तरह मम्मी सोचती है, अगर एक तरह इस तरह बैठे रहेगी, इस तरह चेहरा उतार के बैठ रहेगी, गर्दन झुका के बैठ रहेगी, अगर मुड़ी की तरह बैठ जाएगी, हल्की की तरह लेजी व्यक्ति की तरह बैठे रहेगी, क्या होगा, लोग मुझे क्या सोचेंगे, इसका मम्मी हमेशा इसे हमेशा हरासमेंट या उसको परेशान कर रही है उसका मम्मी, इस तरह का लोग सोचते हैं, इसलिए क्यों ऐसा बैठ रही है। जब इस तरह का उसका मम्मी कहती है तो शायद यहाँ पे और राइटर पोएट और कुछ लिखते नहीं है। अमंडा का जो पाठ था, जो हर जगह हर साझा में कुछ ना कुछ मम्मी कहने से अमंडा अपने आप को कुछ ना कुछ सोच लेती है, लेकिन यहाँ पर पोएट यहाँ पर कुछ उसके बाद लिखते नहीं है, कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। उसके बाद हो सकता है थक गई ये सब सुन सुन करके और उसके बाद सोचना ही बंद कर दी होगी, तब यहाँ पर कुछ सोच नहीं। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस क्या है, एलिट्रेशन, स्टॉप दैट सकिंग एस साउंड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस वर्ड, रिपीटेशन यूज ऑफ वर्ड अमंडा। उसके बाद इसमें क्या है ना, एस साउंड जो एलिट्रेशन स्टॉप दैट सकिंग साउंड इज ऑलवेज रिपीटेड स्टॉप, ये क्या है एस एस साउंड जो सकिंग स्टॉप सकिंग इस तरह का साउंड रिपीटेशन हुआ इसे कहते हैं एलिट्रेशन, एंड रिपीटेशन इज देयर अमंडा वर्ड इन हर स्टांजा में रिपीट हुआ है, तो इस तरह का जो शब्द है उसे कहते हैं रिपीटेशन जो रिपीट होता है। एंड दिस स्टोरी एंड्स हियर, एक कहानी जो है ना जो ओनली दिस मेनी फाइव स्टांजा आर देयर ओनली दिस मच ओनली, बट कहानी का नीचो सारांश क्या है उसे थोड़ा सा हम बता रहे हैं, जो जिस्ट ऑफ दिस पोएम कहानी का अर्थ क्या है। कहानी यहाँ पर एक देखते हैं कि पोएट क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसके बारे में, एक लड़की के बारे में जिसका नाम है अमंडा, जो उसका मम्मी उसे पहले बार उसको मिस्टेक में डांटती, कब, जबकि वो नाखून को काटती है और उसका मदर डांटती है और वो सीधा नहीं बैठती है। कई बार हम लोग हम बैठने का जो पोस्चर होता है ना वो ढंग से नहीं बैठते हैं, हम लोग बैठने का तरीका सही नहीं होता, केवल झुक के बैठ जाते गर्दन, ये सब सही नहीं है, हो सकता है हाँ पापा मम्मी कहने के बातें सही है, तो इसीलिए वो डांटती, तब वो तुरंत अपने आप क्या सोचती है, शी फील्स अमंडा सिट्स ऑन वेरी लेजी मैनर, सो टू दिस अमंडा इमेजिन हरसेल्फ एज ए मरमैड, तो इसी वजह से इमेजिन करती है मैं तो जलपरी की तरह मैं एकांत में रहती कितना अच्छा होता। और दूसरी बार जो डांटती है उसका मम्मी, क्या इसमें जो लिखा है, फर्दर शी नेगेड फॉर नॉट क्लीनिंग हर रूम एंड शूज, और दूसरे बार वो डांटती है उसका कमरे साफ नहीं है, उसका जूता साफ नहीं की है, इसीलिए वो डांटती, तब वो क्या सोचती है अपने आप को, इमेजिन हरसेल्फ टू बी अन ऑर्फन बिकॉज शी इज नाउ फेड अप ऑफ बीइंग वॉच्ड बाय हर पेरेंट्स कंटिन्यूअसली, वो अपने आप को अनाथ सोच ली, क्योंकि ना हमेशा लगातार उसके ऊपर नजर बना कर रखे, कुछ ना कुछ चुप हो रहा है, इंसान जीवन होते रहता है तो इतना भी डांटना उचित नहीं होता है, तो हमेशा अपने आप अपने अनाथ बच्चे से सोच ली कि जिसका अनाथ बच्चे होता है ना किसी कोई केयर नहीं होता है, उस तरह अपने आप सोच ली। और शी सेज दैट द वुड हैव एंजॉयड हर फ्रीडम देन बाय मेकिंग पैटर्न ऑफ हर बेयर फीट ऑन द सैंड एंड वुड लिव पीसफुल लाइफ, हो सकता है अनाथ बच्चे क्या होता है किसी कोई उसको डांटने वाला नहीं होता, चले जाते हैं कहीं पर भी क्या होता है आराम से एक आजाद जीवन जीते हैं उन लोग, इस तरह का वो सोच लेकिन गलत है। नेक्स्ट अमंडा इज स्कोल्डेड फॉर और दूसरा बार और दोबारा क्या के लिए स्कोल्ड कर रहे उसकी मम्मी, इटिंग टू मच टू मेनी चॉकलेट्स, चॉकलेट खाने के लिए ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, टीनेजर में क्या होता है अक्सर बच्चे इस तरह चटपटा वगैरह खाने के लिए और चॉकलेट खाने में बहुत पसंद आता है, तो इसका कजेस उसका कारण हो सकता है पिंपल्स आ रहे हैं, उसकी मम्मी उसको कह रही शी इज कॉल्ड फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर, इसीलिए भी उसका मम्मी उसको डांटती है उसको सुन नहीं रही है, इसी वजह से उसका मम्मी इस पॉइंट में डांट रही है। इस समय पे वो क्या सोचती है अपने आपको, रूपांजल, वो सोच रही मैं तो रूपांजल की तरह हूँ, क्वीन की तरह, अनदर वर्ड में क्वीन की तरह हूँ और मेरा कोई केयर नहीं करता यहाँ पे, वो अपने आप को ढाल लेती है फेयर टेल का जो कहानी का जो एक करेक्टर है रूपांजल उसके बारे में, वो सोचती है मैं इस तरह हूँ, मैं टावर ह्यूज टावर बड़े टावर में रहती तो कितना अच्छा होता, मैं एकांत में रहती, मेरे बाल को गिराती नहीं उसकी तरह और मैं एकांत में एक ही लड़ती किसको आने नहीं देती करके, वो कहती है पीसफुल लाइफ मैं वहाँ जीती, नेवर अलाउ एनीवन टू कम इन। फाइनली द मदर आस्क हर और लास्ट में क्या कहते उसका मम्मी क्या कहते, स्टॉप
being moody because she does not want anyone to blame her. ओ सुत्री के इस तरह बैठना, गर्दन झुका करके चेहरा बना कर बैठना छोड़ देना, ये सब आदत अच्छा नहीं है, नहीं तो अन्य लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये मम्मी जो है उस बच्ची को, अपने बच्ची को हमेशा डांटते रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहती है, इसलिए उसका लड़की इस तरह है करके और उसका मम्मी सोचती है, इसलिए बोलती है। लेकिन ये जब कहती है उसका मम्मी, तब हो सकता है अमुंडा ये सब डांट खा सुन सुन करके परेशान होकर कुछ सोचने में नाकाम हो, मैं सोच नहीं पाए, इसलिए शायद पॉइंट यहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं। अमुंडा क्या सोची उसके बारे में, तीन बार भी उसने सोची थी जलपरी की तरह, अनाथ बच्चों की तरह और रूपांजल की तरह, लेकिन अभी जो डांट मिला है तो अभी और कुछ नहीं सोच रही हो। तो इसी वजह से यहाँ पे जो पोएट लिखते हैं, हो सकता है और डांट खाते हुए फेड अप हो गए। दिस कॉन्स्टेंट नेगिंग, इसमें जो लिखा गया है, सी यूज टू डू सो इन ऑर्डर टू स्केप फ्रॉम द कंटिन्यूस हरासमेंट एंड डोमिनेंस ऑफ हर पेरेंट्स। हो सकता है इससे वो सोचना बंद कर दी, वो सोच रही कि मेरे पापा मम्मी से आजाद मिल जाए, मुझे आजाद मीन्स डांट पटकार से या उनका डोमिनेंस से मैं छुटकारा पा जाऊं, हमें सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आयरनी जो है ही है कि बच्चे आपको समझना है, स्टॉप किस तरह बैठना और चेहरा बनाकर बैठना ये सब उचित नहीं है। एंड यहाँ पे कुछ चीजें सीखने को मिलता है, इवन फॉर पेरेंट्स इवन फॉर चिल्ड्रन, पापा मम्मी का फर्ज बनता है हर घड़ी हर वक्त टोकना किसी को भी उचित नहीं है, और बच्चों का भी फर्ज बनता है, आप लोग का फर्ज बनता है, जो भी पापा मम्मी कहते हैं हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, इसे हमें समझने की जरूरत है। जब हम इन चीजों को समझते हैं तो अवश्य हमें क्या होता है, हमें जीवन पे हमें बहुत चीजें हम सीखते हैं और उसके आधार पे हमारे जीवन में ये लाभदायक होता है। और इस कहानी में, इस पोएम के जो स्टोरी में अगर किसी चीज़ों को समझने में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और लाइक करना ना भूलें, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किए हैं उनके लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए हम इस पोएम को यहीं रोकते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम आए दूसरा पोएम मिलता तब तक के लिए बाय।